नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी और माता महालक्ष्मी श्री मंदिर को परित्याग करेंगे और मानव तनु धारण करेंगे। जब इस धरती में अन्याय और अधर्म का मात्रा बढ़ता है, तभी भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और अन्यायी और अधर्मी लोगों का विनाश करते हैं, म्लेच्छ लोगों को विनाश करते हैं और इस पृथ्वी में धर्म का पुनः स्थापना करते हैं। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे भगवान श्री बलदेव जी कहां पर जन्म लेंगे और भगवान श्री बलदेव जी कहां पर निवास करेंगे, किसके शरीर में निवास करेंगे। हर युग में पापियों का विनाश करने के लिए भगवान श्री नारायण के साथ भगवान श्री अनंत शेषनाग जी अवतरित हुए हैं और इसी युग में इस घोर कलिकाल में भी भगवान श्री कल्किदेव के साथ अनंत अर्थात भगवान श्री शेषनाग जी अवतरित होंगे। शिष्य रामचंद्र अपने गुरुदेव संत श्री अरिखित दास से ये कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृपया ये बताएं कि भगवान बलदेव जी कहाँ पर जन्म लेंगे और किसके शरीर में निवास करेंगे। इसके उत्तर में संत श्री अरिखित दास कह रहे हैं, यहाँ सुणी रामदास कहंती वचन बलदेव केहूठारे रही थे पुण कहब बुझाई प्रभु आहे पंच सखा न कहिले आउ मते न पाइब देखा। इस पंक्ति में शिष्य रामचंद्र अपने गुरुदेव संत श्री अरिखित दास से कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप मुझे कृपया करके बताइए भगवान बलदेव जी किसके शरीर में निवास कर रहे होंगे। दूसरे पंक्ति में संत श्री अरिखित दास कह रहे हैं, यह सुनी अरखित बोईले वचन बलदेव विजय हेब अच्युत पाषेण अच्युत कंधरे बलदेव जे रहिब सियालदा ठारे प्रभु बाहर होइब। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री संत अरिखित दास ये कहना चाहते हैं कि कलियुग में जो अच्युत होगा उसके शरीर में भगवान बलदेव जी निवास कर रहे होंगे, अर्थात कलियुग में जो अच्युत है वही बलदेव जी है। और इसके दूसरे पंक्ति में वो बात क्लियर कर दी, अच्युत कंधरे बल देव जे रहिब सियालदा ठारे प्रभु बाहर होइबे। इसका मतलब जो अच्युत होंगे उसके कंध पर अर्थात उसके शरीर में भगवान बलदेव जी निवास कर रहे होंगे। कोलकाता का एक शहर है जिसका नाम है सियालदा और उसी जगह पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा और उसी यज्ञ को स्वयं बलदेव जी स्वयं अच्युत करवाएंगे और उसी यज्ञ में वो बलदेव जी अपने आप को प्रकाश करेंगे। इसी के बारे में महापुरुष इस ग्रंथ में लिखा है। दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। जो कुछ भी मालिका शास्त्र में लिखा हुआ है ये उड़िया लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को बता रहे हैं ताकि मालिका का जो प्रचार है वो पूरे भारत के लेवल में हो और पूरे विश्व के स्तर में हो। हमारा और कुछ भी इंटेंशन नहीं है, ये आप लोगों के तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, यही बस हमारा तमन्ना है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, मालिका को सभी लोग पढ़ नहीं सकते या फिर सभी लोग समझ नहीं पाते। जो सिर्फ भगवान के भक्त हैं, सही भक्त है, वही लोग मालिका को पढ़ पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। जो इंसान दुष्ट और असुर स्वभाव के होते हैं वो इसे निंदा करते हैं और ऐसे ही निंदा करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कलयुग में पाप की धारा इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को अपने ही धर्म ग्रंथ पर यकीन नहीं रहेगा। जैसे कि आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो ये पूछते हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्या राम सच में भगवान थे, क्या कृष्ण सच में भगवान थे। जो लोग अपने ही राम अपने ही कृष्ण को यकीन नहीं करते और किसी धर्म ग्रंथ पर यकीन नहीं करते वो किसी दूसरे का क्या सम्मान देंगे, वो किसी दूसरे का धर्म ग्रंथों को क्या यकीन करेंगे। तो दोस्तों, ये समय अभी आ चुका है कि हम लोग एकजुट हुए और अपनी ही सनातन धर्म अपनी ही मानवता का धर्म को बचाए। नहीं तो एक ऐसा समय आ रहा है जबकि इस पृथ्वी पृष्ठ में अन्याय और विधर्मी लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना ही धर्म को नीचे गिरा हुआ पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मालिका में सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ही लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मालिका में ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि आप इसी घोर कलिरूपी नर्क से कैसे उधार पाएँ और कैसे भगवत प्राप्ति हुए। भगवान श्री राम का नाम जपते रहिए और इसी घोर कलिरूपी नर्क से उधार पा जाएंगे।
तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।